नमस्कार, मैंने उन्हीं प्रश्नों को इस सेट में शामिल किया है जो विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं तथा आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि यह सेट आने वाली आगामी RPA प्रमोशन परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए, मैं सावन कुमार शुरू करता हूँ RPA प्रमोशन टेस्ट की क्वेश्चन सेट संख्या 40 के प्रश्न एवं उनके उत्तर। क्वेश्चन सेट संख्या 40 का पहला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कब से लागू हुआ? इसके चार विकल्प हैं। विकल्प क में है 12/10/2005, ख में है 10/10/2005, ग में है 1/7/2005 तथा विकल्प घ में है 1/8/2005। इस प्रश्न का सही उत्तर है क, अर्थात 12/10/2005। प्रश्न संख्या 2 में है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को कब संशोधित किया गया? इसके भी चार विकल्प हैं। विकल्प क में है 2020, ख में है 2019, ग में है 2018 तथा विकल्प घ में है 2017। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, अर्थात 2019। प्रश्न संख्या 3 में है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 यथा संशोधित 2019 की किस धारा में सूचना का अधिकार परिभाषित है? इसके भी चार विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 2G, ख में है धारा 2H, ग में है धारा 2I तथा विकल्प घ में है धारा 2J। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, अर्थात धारा 2J। प्रश्न संख्या 4 में है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार आवेदन की भाषा क्या हो सकती है? इसके भी चार विकल्प हैं। विकल्प क में है अंग्रेजी, ख में है हिंदी, ग में है क्षेत्रीय भाषा तथा विकल्प घ में है उपरोक्त कोई भी। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, अर्थात उपरोक्त कोई भी। प्रश्न संख्या 5 में है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार सूचना प्राप्त करने का शुल्क कितना है? इसके भी चार विकल्प हैं। विकल्प क में है 400 रुपये, ख में है 100 रुपये, ग में है 10 रुपये तथा विकल्प घ में है 50 रुपये। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, अर्थात 10 रुपये। प्रश्न संख्या 6 में है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 11(2) के अनुसार यदि किसी तीसरे पक्ष द्वारा आवेदन दिया गया हो तो मांगी गई जानकारी को प्राप्त करने में अधिकतम कितना समय लगेगा? इसके भी चार विकल्प हैं। विकल्प क में है 30 दिन, ख में है 40 दिन, ग में है 50 दिन तथा विकल्प घ में है 60 दिन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, अर्थात 40 दिन। प्रश्न संख्या 7 में है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार सूचना प्राप्त करने की समय सीमा क्या है? इसके भी चार विकल्प हैं। विकल्प क में है 30 दिन, ख में है 40 दिन, ग में है 50 दिन तथा विकल्प घ में है 60 दिन। इस प्रश्न का सही उत्तर है क, अर्थात 30 दिन। प्रश्न संख्या 8 में है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित सूचना प्राप्त करने की समय सीमा क्या है? इसके भी चार विकल्प हैं। विकल्प क में है 24 घंटे, ख में है 36 घंटे, ग में है 48 घंटे तथा विकल्प घ में है 72 घंटे। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, अर्थात 48 घंटे। प्रश्न संख्या 9 में है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा में सूचना प्रकट करने की छूट अर्थात सूचना न देने का प्रावधान है?
इसके भी चार विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 7, ख में है धारा 8, ग में है धारा 9 तथा विकल्प घ में है धारा 10। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, अर्थात धारा 8। प्रश्न संख्या 10 में है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 के अनुसार किस प्रकार की सूचना प्रदान न करने का प्रावधान है? इसके भी चार विकल्प हैं। विकल्प क में है मुख्य सूचना आयुक्त तथा 10 से अधिक उतने केंद्रीय सूचना उपायुक्त होंगे जितने आवश्यक समझे जाएं। ख में है मुख्य सूचना आयुक्त तथा 9 से अधिक उतने केंद्रीय सूचना उपायुक्त होंगे जितने आवश्यक समझे जाएं। ग में है मुख्य सूचना आयुक्त तथा 8 से अधिक उतने केंद्रीय सूचना उपायुक्त होंगे जितने आवश्यक समझे जाएं। तथा विकल्प घ में है मुख्य सूचना आयुक्त तथा 7 से अधिक उतने केंद्रीय सूचना उपायुक्त होंगे जितने आवश्यक समझे जाएं। इस प्रश्न का सही उत्तर है क, अर्थात मुख्य सूचना आयुक्त तथा 10 से अधिक उतने केंद्रीय सूचना उपायुक्त होंगे जितने आवश्यक समझे जाएं। प्रश्न संख्या 12 में है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के अनुसार राज्य सूचना आयोग के गठन संबंधी कौन कथन सत्य है? इसके भी चार विकल्प हैं। विकल्प क में है राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा 12 से अधिक उतने राज्य सूचना उपायुक्त होंगे जितने आवश्यक समझे जाए। ख में है राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा 10 से अधिक उतने राज्य सूचना उपायुक्त होंगे जितने आवश्यक समझे जाए। ग में है राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा 8 से अधिक उतने राज्य सूचना उपायुक्त होंगे जितने आवश्यक समझे जाएं। तथा विकल्प घ में है राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा 6 से अधिक उतने राज्य सूचना उपायुक्त होंगे जितने आवश्यक समझे जाएं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, अर्थात राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा 10 से अधिक उतने राज्य सूचना उपायुक्त होंगे जितने आवश्यक समझे जाएं। प्रश्न संख्या 13 में है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 12(3) के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना उपायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इसके भी चार विकल्प हैं। विकल्प क में है प्रधानमंत्री, ख में है गृह मंत्री, ग में है राष्ट्रपति तथा विकल्प घ में है भारत के मुख्य न्यायाधीश। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, अर्थात राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 14 में है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15(3) के अनुसार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना उपायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इसके भी चार विकल्प हैं। विकल्प क में है राष्ट्रपति, ख में है राज्यपाल, ग में है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा विकल्प घ में है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, अर्थात राज्यपाल। प्रश्न संख्या 15 में है, आरटीआई की धारा 12(3) के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना उपायुक्त की नियुक्ति के लिए सिफारिश हेतु गठित समिति में कौन कौन होते हैं? इसके भी चार विकल्प हैं। विकल्प क में है प्रधानमंत्री, जो समिति का अध्यक्ष होगा, ख में है लोकसभा में विपक्ष का नेता सदस्य के रूप में, ग में है प्रधानमंत्री द्वारा निर्दिष्ट संघ मंत्रिमंडल का एक मंत्री सदस्य के रूप में तथा विकल्प घ में है उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, अर्थात उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 16 में है, आरटीआई की धारा 15(3) के अनुसार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना उपायुक्त की नियुक्ति के लिए सिफारिश हेतु गठित समिति में कौन कौन होते हैं? इसके भी चार विकल्प हैं। विकल्प क में है मुख्यमंत्री, जो समिति का अध्यक्ष होगा, ख में है विधानसभा में विपक्ष का नेता सदस्य के रूप में, ग में है मुख्यमंत्री द्वारा निर्दिष्ट
मंत्रिमंडल का एक मंत्री सदस्य के रूप में, तथा विकल्प घ में है उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, अर्थात उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 17 में है आरटीआई की धारा 12(7) के अनुसार केंद्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय कहाँ है। इसके भी चार विकल्प हैं, विकल्प क में है मुंबई, ख में है दिल्ली, ग में है कलकत्ता, तथा विकल्प घ में है चेन्नई। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, अर्थात दिल्ली। प्रश्न संख्या 18 में है मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना उपायुक्तों का कार्यकाल कितना होता है। इसके भी चार विकल्प हैं, विकल्प क में है 3 वर्ष या 60 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, ख में है 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, ग में है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, तथा विकल्प घ में है 5 वर्ष या 60 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, अर्थात 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। प्रश्न संख्या 19 में है राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना उपायुक्तों का कार्यकाल कितना होता है। इसके भी चार विकल्प हैं, विकल्प क में है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, ख में है 5 वर्ष या 60 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, ग में है 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, तथा विकल्प घ में है 3 वर्ष या 60 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। इस प्रश्न का सही उत्तर है क, अर्थात 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। प्रश्न संख्या 20 में है मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना उपायुक्त किसके समक्ष शपथ लेते हैं। इसके भी चार विकल्प हैं, विकल्प क में है राज्यपाल, ख में है राष्ट्रपति, ग में है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, तथा विकल्प घ में है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, अर्थात राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 21 में है राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्त किसके समक्ष शपथ लेते हैं। इसके भी चार विकल्प हैं, विकल्प क में है राज्यपाल, ख में है राष्ट्रपति, ग में है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, तथा विकल्प घ में है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इस प्रश्न का सही उत्तर है क, अर्थात राज्यपाल। प्रश्न संख्या 22 में है मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्तों को यदि त्याग पत्र देना हो तो किसे दे सकते हैं। इसके भी चार विकल्प हैं, विकल्प क में है राज्यपाल, ख में है राष्ट्रपति, ग में है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, तथा विकल्प घ में है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, अर्थात राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 23 में है राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्तों को यदि त्यागपत्र देना हो तो किसे दे सकते हैं। इसके भी चार विकल्प हैं, विकल्प क में है राज्यपाल, ख में है राष्ट्रपति, ग में है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, तथा विकल्प घ में है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इस प्रश्न का सही उत्तर है क, अर्थात राज्यपाल। इसी के साथ क्वेश्चन शीट संख्या 40 का प्रश्नोत्तर समाप्त करता हूं। क्वेश्चन शीट संख्या 41 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रश्नोत्तर के साथ बहुत जल्द ही उपस्थित होने वाला हूं। धन्यवाद।